अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे सेल्फी साइड में ठीक है ना, एक मिनट में आप बता, हम पूरी हट रहे ना, हम पूरी हट रहे हैं, हम हट साइड हो जाएंगे, ये साइड हो गए, साइड हो गए, जीतू और अरे क्या तरीके है यार। हाँ हाँ हाँ, चल जाओ चले, आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, थोड़े और पीछे जाओ। हाँ सर, दादा तुम थोड़ा बिल्कुल सर, नहीं रहना सर, थोड़ा नहीं होने खड़ा हुआ सर, थोड़ा सा पीछे लगना, थोड़ा पीछे। हेलो जीतू, बस बस एक दो शॉट्स बस हो गया अपना, बस मेरा वर्ष है और मैं आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि उनको समर्पित यह कार्यक्रम कालजयी पंडित कुमार गंधर्व, भारत के अनेक शहरों से होते हुए उसका यह 9वां संस्करण देवास के उनके कर्म भूमि पर आयोजित किया गया है। नमस्कार, मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी अपनी राजमाता श्रीमंत गायत्री राजे पवार, श्री महेंद्र सोलंकी जी और आप सब महानुभाव जो यहाँ देश विदेश से भारी हूँ, विशेष रूप से जिस तरह से आपको सौरभ जी ने बताया, मैं एक बात छोटी सी संक्षिप्त में कहना चाहूँगी। कुछ दिनों पूर्व श्रीमती कला पीनी कोमकली जी, श्री भुवनेश कोमकली जी से अद्वितीय व्यक्तित्व जिनके बारे में, जिनकी जन्म शताब्दी है, हमने देवता शहर है और कई कारण से इसकी अपनी विशेषता हो सकती है, किसी के सिर पे अगर कोई पगड़ी बांध करके सर के लिए खास करके अपना समय निकाला, मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूँ। जन्म सदी तो नहीं होते, उनका अपना आधार होता, उनका अपना व्यक्तित्व होता, तो मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए भी आयोजकों को आभार मानता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपनी ओर से आपका पुनः एक बार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये शताब्दी में अभी आपने अपने स्तर पे कर लिया, अब सरकार के लेवल पे भी आप मेरे से इस संबंध में कोई मदद चाहेंगी तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं इस पूरे आयोजन में सरकार को भी भागीदार बनाना चाहूँगा। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से एक पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवान्वित होता है लेकिन उस पर अगर कोहिनूर लगा दे तो उसकी छटा निहारते फिर बनती है कि कोहिनूर किसके सिर पे आ गया,
ऐसे देवास के सिर के ऊपर कोहिनूर आकर के समूचे प्रदेश को धन्य किया। मुझे इस बात का अत्यंत आनंद भी है और इस बात की प्रसन्नता भी है। आज के इस दौर में तो ज़्यादा अच्छे से है, जो मुझे जानकारी मिली है कि लोक धुन जब शास्त्रीय संगीत से मिल जाती है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से कुमार गंधर्व जी के दो जन्म हुए हैं, तो देवास का एक तरह से उनने उस तरह से भी अपना एक नया जन्म यहाँ से पाया है। जहाँ से वो चले उस समय की उनकी अपनी जगह और कैसे कैसे लोगों को उन्होंने अभिभूत किया, वो अत्यंत अलग प्रकार से आज भी रोमांच से भर देता है। और ये अच्छी बात है कि उस समय का चित्रों का संकलन भी दिखाई देता है, अन्यथा ऐसा लगता कि थोड़ा अपन ने अतिरंजित बात कर ली, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात कर ली। लेकिन ये जो एक शब्द कहावत है हिंदी की, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये जो कहावत वो कहावत नहीं है, आप चरितार्थ करके कुमार गंधर्व जी के जीवन से दिखाई देती है कि जो उनने बाल कलाकार रूप में अपनी जो अलग अलग प्रस्तुतियां दी और जिन जिन महान हस्तियों के साथ उनके चित्र दिखाई देते, हम सब केवल कल्पना ही कर सकते कि वो कितना विराट व्यक्तित्व तो होगा उनका। और फिर एक और बड़ी बात, और परमात्मा को यह मंजूर होगा, हम तो ये माने तपेदी की टीवी तो बहाना थी, लेकिन उस बहाने से उनका संबंध यहाँ से भी आना था। और एक तरह से हम आज के दौर में भगवान राम का समय चल रहा है, और भगवान राम के लिए वही दौर है जैसे भगवान राम का वनवास के पहले का जीवन और वनवास के बाद का जीवन सब मिला के राम राज्य है, ये हमको ध्यान में आता है। इसी प्रकार से कुमार गंधर्व का उनका अपना बाल्यकाल का दक्षिण भारत में उनका बिताया हुआ समय, और बाद के काल में जब बीमारी की अवस्था से निकल करके नए जन्म के नाते से 6 वर्ष की कठिन बीमारी की उस कठिन दौर के बाद, और उस बीमारी में भी उनने स्वर साधना के माध्यम से Yeah.